Are you guys ready to start the night? Yeah? Come on, come on. Taaliyon se swagat kijiye. Let's hear it for the very funny Mohit Marani guys. Yes. Louder. Round of applause Harman aur Devanshu ke liye. तो मैं 7 साल से स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ एंड कोई इज्जत नहीं है इस प्रोफेशन की. अंटन अलनेस आप एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लो तब हो जाती है इज्जत, अदरवाइज तो कोई इज्जत नहीं करता. स्पेशली जब आप स्टार्ट करते हो स्टैंड अप कॉमेडी कोई सपोर्ट नहीं करता आपको. मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार स्टेज पर जा रहा था तो मुझे लगा यार पापा का आशीर्वाद लेके जाता हूँ, अच्छा परफॉर्म करूँगा, जर्नी की बहुत बढ़िया शुरुआत हो जाएगी. तो मैंने उन्हें कॉल कर लिया स्टेज पे जाने से पहले. भारी मिस्टेक. मैंने उन्हें कॉल करके बोला पापा कॉमेडी शुरू कर रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए. पापा ने कहा क्या अब तुम ये सब करोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती, अब तुम 24 साल के हो गए हो, तुम भांड बनोगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए. जब मैं 24 साल का था मेरी गोद में तू था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए. तो मैंने उन्हें कहा अगर आपको पता लगेगा कि कल रात को मेरी गोद में कौन था तो फिर शर्म आपको आए. ऐसे ऑकवर्ड होता है, टी आके नहीं बैठ गई थी. इनफैक्ट कोई नहीं था, तकिया पड़ा हुआ था. बट मैं ऐसे कूल लगने के लिए झूठ बोलता रहता हूँ. कोई सपोर्ट नहीं करता आपको यार, ऐसा कुछ भी अनकन्वेंशनल करोगे कोई सपोर्ट नहीं. बस ये 3-4 काम है, बस इनमें से कुछ चुन लो, यही करना है आपको जिंदगी भर और कोई नहीं. मेरा बाप चाहता था मैं स्पोर्ट्समैन बनूं बचपन में. एक बार आप लोग देखो मुझे, मैं डकार मारता हूँ नस पे नस चढ़ जाती है, रात को सोता हूँ बेड से गिर जाता हूँ. मैं स्पोर्ट्समैन हूँ पर मेरा बाप चाहता था मैं बनूं. जबरदस्ती मुझे स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा दिलवाया करते थे. एक बार 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करवाया, बिल्कुल मन नहीं था मेरा लेकिन पापा ने कहा करना है तो मतलब करना है. अब रेस स्टार्ट होने वाली है. आई वाज स्टैंडिंग ऑन द मार्क विद 7 अदर गाइस. द रेस इज अबाउट टू स्टार्ट. मैं नर्वस हूँ थोड़ा. माय फादर वाज देयर इन द ऑडियंस, वो मुझे चीयर करने सपोर्ट करने आए थे. जब उन्होंने देखा कि मैं नर्वस हूँ तो उन्हें लगा रेस स्टार्ट होने से पहले इसे मोटिवेट कर देता हूँ, ये रेस में अच्छा परफॉर्म करेगा. तो रेस स्टार्ट होने से पहले पापा ने मुझे अपने पास बुलाया, बीइंग ए नाइस फादर, मेरा हाथ पकड़ा और मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा बेटा ये जो डर है तुम्हारी आंखों में ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है. मैं जानता हूं तुम इस रेस में हिस्सा नहीं लेना चाहते क्योंकि तुम्हें खौफ है कि तुम ये रेस हार जाओगे, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं अपने तजुर्बे से, अगर तुम इस रेस में हिस्सा लोगे तो शायद तुम जीत जाओ शायद तुम हार जाओ, लेकिन अगर तुम इस रेस में हिस्सा ही नहीं लोगे फिर तो तुम उसी वक्त हार जाओगे और बगैर कोशिश किए हार जाए ऐसी परवरिश तो नहीं दी है तुम्हें, तुम्हें कोशिश करनी होगी बेटा. और वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. मैं कहा वो तो ठीक है पापा लेकिन अब रेस खत्म हो गई है. ये बात आप हाथ छोड़ के भी बोल सकते थे. इतना कुछ खास नर्वस था भी नहीं मैं, अब हूं मैं क्या मुंह लेके स्कूल जाऊंगा. अगले दिन स्कूल के मुझे रोक के लौंडे बोल रहे कि रोके मिनट इधर आ तो पता है रेस में कैसे आ रहा. इसके बाप ने इसका हाथ पकड़ लिया था. कुछ तो चल रहा है दोनों का. क्या रूमर्स. लोग स्पोर्ट्समैन नहीं बन पाते क्योंकि उनका बाप ना सपोर्टिव नहीं होता. मैं नहीं बन पाया क्योंकि मेरा बाप बहुत ज्यादा सपोर्टिव है.
एक दिन मैच था मेरा, मैंने पापा को बोला पापा आज आपके सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। पापा ने कहा नहीं, आज तो जो चिल्लाऊंगा मैं तेरे लिए, पूरा शहर याद रखेगा। तो पूरे शहर को याद है, आप किसी से भी जाके पूछ सकते हो जो चिल्लाए थे पापा उस दिन मेरे मैच में। उन्हें समझ नहीं आ रही ये बात कि अरे ये चेस का मैच है, मत चिल्लाओ, कॉन्सेंट्रेशन आप ही खराब कर रहे हो। मैं अपना बिशप उठा के सोच रहा हूँ तो यार चेकमेट दे ही दूंगा पापा, कम ऑन। मेरा ओपोनेंट भी परेशान हो गया कि भाई ऐसे हो नहीं पाएगा, एक काम करते हैं एक दूसरे के माथे पे गोटियां मारते हैं, जो ज्यादा मारेगा जीत जाएगा, ऐसे तो चेस खत्म कर रहे हैं। पापा का शौक था मोटिवेट करने का। हर बाप का अपना अलग तकिया कलाम होता है, सबका अलग होता है। सुना मेरे पापा का शुरुआत ये होती थी हर मोटिवेशनल कोट जो देते थे या हर कोई भी बात बोलते थे कि बेटा एक बात जिंदगी भर याद रखना, अगर आपने याद रख लिया बर्बाद पक्का हो जाएगा। एक दिन मुझे बोलते बेटा एक बात जिंदगी भर याद रखना कि तुम किसी से कम नहीं हो सिवाय उन लोगों के जो तुमसे बेहतर है। या फिर तो चूतिया ही हुआ ना मैं। यही था हमेशा ही उनका यही था। एक दिन मुझे बोलते बेटा एक बात जिंदगी भर याद रखना, जब बेटे के पैर बाप के जूते में आ जाए तो समझ लो कि वो दोस्त बन चुके हैं। मैंने कहा फिर जा सुट्टा लेके आ। कोई दोस्त इतनी बेरहमी से नहीं मारता। यही रहता है। एक दिन मुझे बोले बेटा एक बात जिंदगी भर याद रखनी जो खुद भूल गए। मुझे खड़े रखा बाप दे, रुक जा सुन के जाना। मैं कहा पापा मेरे को कहीं जाना, चुप सुन के जा। आधे घंटे तक खड़े रखा, फिर बोले बेटा एक बात जिंदगी भर याद रखना कि कोई बात कभी भूलनी नहीं है। क्या करूं मैं इन बातों का, तो मुझे याद है आज भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं आपके और आपके बाप के बीच में, स्पेशली इफ यू आर अ मैन, इफ यू आर अ बॉय, डिसएग्रीमेंट्स हमेशा होते हैं। मुझे लगता है डिसएग्रीमेंट्स जब भी हो हमें बातचीत के जरिए उनको सॉल्व करना चाहिए, पर बाप लोगों का होता है नहीं हम तो मारेंगे, टाइम इतना वेस्ट नहीं करना। डिसएग्रीमेंट्स थे, बहुत डिसएग्रीमेंट थे। जैसे मैं स्टडीज में अच्छा नहीं था, मैं मेहनत करता था, कोशिश करता था समझने की, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। तो मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। फिर एक दिन मैंने वो मूवी देखी तारे जमीन पर, तब मुझे पता लगा ये बड़े दांत वाला चूतिया बच्चा मैं ही तो हूं। या फिर मुझे जब पता लगा कि यार मैं डिसलेक्सिक हूं, तो मुझे लगा यार मुझे बताना चाहिए पापा को। एक तो इतना मुश्किल शब्द है डिसलेक्सिया, एक डिसलेक्सिक बच्चे को याद कैसे हो। मैं उनके पास गया, मैंने कहा पापा कोई दिक्कत है मुझे, पापा ने कहा बता। मैं कहा डी से शुरू होती है। पापा ने कहा डैंड्रफ हुआ है तुझे, मैं कहा पागल हो, डैंड्रफ की बताने आऊंगा रात को 11 बजे यार। पापा ने कहा डायरिया, मैं कहा नहीं। और वो जो मूवी थी उसमें जो कैरेक्टर था जिसको डिसलेक्सिया था, उसका जो आर्ट्स का जो ड्राइंग टीचर था वो उसकी हेल्प करता है। मेरे स्कूल में सबसे ज्यादा मुझे वही मारता था। एक तो इसलिए भी शायद पता नहीं लगा, वो मुझे बोलता था मिकी माउस बनाओ, मैं कुछ बनाता था उसके पास लेके जाता, कहता जो ये अचार बनाया तूने ये क्या है, तो कभी पता नहीं लग पा रहा था। फिर पापा ने कहा इसका कुछ होने नहीं वाला है, एंड पापा भी रिलैक्स थे, हमारा फैमिली बिजनेस है, पापा की कोई जॉब नहीं है, खुद का बिजनेस था। पापा ने कहा कि ये वही संभालेगा आगे जाके, चाहे तुम कितने भी अच्छे हो स्टडीज में स्पोर्ट्स में, तुम्हें एट दी एंड अगर तुम्हारा फैमिली बिजनेस है तो तुम्हें यही करना है। और मेरा कभी मन नहीं था कि मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूँ। मैं बिजनेस के बारे में बताता हूँ, पापा की एक स्टोर है, एक दुकान है जिसका नाम है मोरानी एंड सन्स, उसमें पापा साड़ियाँ बेचते हैं। एक तो कितना मिसलीडिंग नाम नहीं है, मोरानी एंड सन्स। 13 साल की उम्र तक मुझे लगता था मोरानी एंड सन्स पापा बेटे बेचते हैं। मैंने उनको बोला आप हरियाणा में ब्रांच खोलो तब पैसा आएगा।
असल डिमांड तो वही है। मैंने टैगलाइन भी सोची थी पापा के लिए, मोरानियन सन्स, कि आपके घर में बार बार बेटियां पैदा हो जाती हैं। मोरानियन सन्स, हर शेप साइज और कलर में बेटे उपलब्ध, शर्तें लागू। मुझे सच में ये लगता था, मैंने मम्मी से भी पूछा था, मम्मी मैं पैदा हुआ था कि मैं दुकान से आया? तो मम्मी ने बताया कि साड़ी बेचते हैं और अगर दुकान से लेना होता तुझे कोई नहीं, डेड स्टॉक होता तू, समझ डेड स्टॉक, कहाँ समझोगे तुम। खैर, डिसएग्रीमेंट्स रहते थे हमेशा से यार। मुझे एक तो यार अपॉर्चुनिटीज छोटे शहरों में बहुत कम होती है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मूव टू अ बिग सिटी बट माई फादर वॉज ऑलवेज अगेंस्ट इट, एंड पापा हमेशा कह रहे थे कि नहीं बेटा बड़े शहर नहीं जाना, बड़े शहर के लोग बड़े मतलबी होते हैं, बड़े सेल्फिश होते हैं, बड़े शहर के लोग बगैर मतलब किसी से पानी तक नहीं पूछते, बड़े शहर नहीं जाना, विच इज ट्रू। देखो थोड़े सेल्फिश तो हैं हम सब, हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि हम भूल जाते हैं कि आसपास लोगों को पानी की जरूरत है। बड़े शहरों में ऐसा होता है, हम बगैर मतलब किसी को पानी नहीं पूछते, छोटे शहरों में नहीं होता ऐसा, छोटे शहरों में पानी पूछते हैं लेकिन उससे पहले आपकी जात पूछते हैं ताकि उसी से डिसाइड होगा ना कि ग्लास कौन सा मिलने वाला है आपको। कांच का मिलेगा, स्टील का मिलेगा, डिस्पोजेबल टच नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने ना बड़े शहर में आने के लिए पापा को ऐसे कन्विंस किया, मैंने उन्हें बोला देखो पापा हमारा बिजनेस है एक जगह आगे पहुंच के रुक गया है, हमें इसे एक्सपेंड करना चाहिए, इसके लिए नई एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, मैं शहर जाऊंगा बहुत कुछ नया सीख के आऊंगा फिर हम इसको एक्सपेंड करेंगे। फिर पापा फाइनली एग्री हो गए कि चलो ठीक है 3-4 साल के लिए चला जाए, उसके बाद वापस आ जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे। गुड, बढ़िया, फाइनल हो चुका था कि मैं जा रहा हूँ। मुझे रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने आए थे, ट्रेन में जाने से पहले बोलते हैं बेटा एक बात जिंदगी भर याद रखना कि शहर की चकाचौंध में गुम मत हो जाना। मैं नोएडा जा रहा हूँ, लाइट नहीं आती, नोएडा में कोई गुम नहीं हो रहा है, शहर की चकाचौंध में अंधेरे में गुम हुआ हूँ 3 बार में। रहा मैं नोएडा ही रहा, मैं 10 साल रहा, अच्छी जिंदगी चल रही थी, कॉलेज किया, नौकरी करी, फिर राइटिंग प्रोजेक्ट्स भी पकड़े, स्टैंड अप भी शुरू किया, ठीक ठीक चल रहा था, सेविंग्स नहीं कर पा रहा था लेकिन अय्याशी कर रहा था, अच्छी जिंदगी चल रही थी जैसे तुम सबकी चलती है। कोई सेविंग्स नहीं करता है, सिर्फ अय्याशी करता है, वही चल रहा था, बढ़िया था, कभी पता नहीं था ना कि कोई दिक्कत आएगी, हर महीने कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जा रहा था, किसी को परेशानी नहीं थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ 2019 के अंत में, चाइना में एक बहन ने एक रैंडम चमगादड़ का चूपा ले लिया और दुनिया बंद हो गई। अब जो मेरा काम चल रहा था वो वहीं बंद हो चुका, अगले महीने किराया देने के पैसे नहीं है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। जिस इंसान को सक्सेसफुली 10 साल तक अवॉइड किया मैंने, अब मुझे उन्हीं के साथ वापस जाके रहना पड़ रहा है। कम्युनिकेशन गैप इतना हो गया था, अब तो कुछ बचा भी नहीं था बात करने के लिए यार, मतलब अब क्या बात करें, क्या हो, वापस से ऐसा लग रहा था सब शुरुआत करनी पड़ेगी पापा के साथ, एक नया रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा, उसी का घर है अब तो। ज्यादा बकचोदी अब चलेगी नहीं, सैवेज ने सब चलेगी नहीं। छोटे शहरों में जो लोग थे ना उनका बड़ा कैजुअल रिएक्शन था इस वायरस को लेके, उनको लग रहा हमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमें नहीं होगा, हम घी खाते हैं। मैं घी तो सब खाते हैं, हम नेचुरल असली A2 काउ मिल्क का घी बना के खाते हैं, हमें बस एकदम कैजुअल रिएक्शन था, कोई सब रिलैक्स घूम रहे थे, समझ रहे हो, एकदम एकदम वो मोदी जी जो भी बोल रहे हैं मजा ले, मोदी जी कह रहे हैं थाली बजाओ तो पार्टी कर रहे हैं, वो औरत याद है तुम्हें, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, कोरोना गो, वो बहन है मेरी, मैं लग रहा था ना एक्साइट, वो लीस्ट एक्साइटेड थी इसलिए हमने उसको घर से बाहर निकाला कि तो वाइफ खराब कर रही है, घर में तो तांडव चल रहा था।
मैंने पूछा पापा से क्यों कर रहे हैं, वाइब्रेशन से कोरोना मार देंगे. मोमबत्ती चला रहे हैं, दिए जला रहे हैं, ये क्यों? कब भाप से कोरोना मार देंगे. मैंने कहा पापा एक तो आपको ये मत किया करो आप. तो पहला 2020 तो निकल गया, मार्च में डेल्टा वेव आई. लेकिन छोटे शहरों में तब भी सब कैजुअली थे क्योंकि घी तो खा ही रहे थे. तो मेरे पास पापा आए, मार्च की बात है, पापा आए मेरे पास आके बोलते हैं बेटा ये तो स्टैंड अप से जो भी कमाई आ रही है एक FD करा लो. स्टैंड अप से जो कमाई आ रही है FD टूटेगी आपकी. पापा ने कहा नहीं मुझे नहीं, सेविंग्स बेटा बहुत जरूरी होती है, सेविंग्स बहुत जरूरी होती है. ये बोला और खांसने लगे जोर जोर से. सेविंग्स बहुत जरूरी होती है बेटा, सेविंग करो. मैंने कहा पापा सुनो थोड़ा दूर जाओ. 6 नहीं 10 फीट दूर जाओ. जाओ तो सही यार, अब रुको, अब कहो क्या कह रहे हो. तो बेटा मैं कह रहा था कि सेविंग्स. मैं कहा पापा शायद जिस बात का डर था वो हो चुका है. कल बुलाता हूँ मैं टेस्टिंग के लिए, पहले ये फिगर आउट करते हैं FD हाथ में हो जाएगी. पापा ने कहा नहीं ऐसे ये तो नॉर्मल फ्लू है, मेरे पे मत डाल दो, अब तेरी बात चल रही. देखो FD करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, सेविंग्स बहुत जरूर. मैं थोड़ा और दूर जाओ. अब टेस्ट कराने को मान रहे हो कि नहीं मान रहे? पापा ने कहा नहीं टेस्ट वैसे मैं कुछ नहीं कराऊंगा. चले गए. छोटे शहरों में टेस्टिंग नहीं करवा रहे थे लोग, टैबू मान रहे थे इसको. मुझे लगता था कि टेस्टिंग से घबरा रहे, पर ये सच नहीं था. छोटे शहर के लोग टेस्टिंग से इसलिए दूर भाग रहे थे, उनको लग रहा था कि यार अगर हमने टेस्टिंग करवा ली तो कोई हमारे पास नहीं आएगा, कोई हमें छुएगा नहीं. हमारे साथ वही होगा जो हम कुछ लोगों के साथ करते आए. ऐसा ही है समाज, अब क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग के लिए नहीं मान रहे. वो याद है ऑक्सीजन मीटर, ऑक्सीमीटर जो था वो लेकर आया मैं. पापा बैठे हुए थे, उनकी उंगली में डाला 98 99. पापा ने कहा देख ठीक है दवा. अगले दिन फिर लगाया 96 97. पापा ने कहा देख ठीक है दवा. अगले दिन फिर लगाया 94 95. पापा ने कहा देख है ठीक ही तो है. अगले दिन लगाया 92 93. पापा ने निकाला, कहते नहीं यार ये ठीक तो नहीं लग रहा है. फाइनली इस इंसान ने एक्सेप्ट किया है कि ये ठीक नहीं है. पापा ने कहा नहीं मैं ठीक हूं, ये ठीक नहीं है. मानने को तैयार नहीं है. 3 दिन तक कन्विंस किया, फाइनली एग्री किया उन्होंने टेस्ट कराने के लिए. टेस्टिंग के लिए एक टीम आई, उन्होंने टेस्ट, 6 लोग हैं मेरी फैमिली में, 6 के 6 लोगों का टेस्टिंग हुई. उसके बाद 2 दिन बाद रिपोर्ट आई, 2 दिन बाद रिपोर्ट आई, 6 में से 5 लोग पॉजिटिव थे, 1 इंसान नेगेटिव था. गैस करो पापा अकेले नेगेटिव है वहां पे. मैं उनके पास जा रहा हूं बताने के लिए पापा ये टेस्ट के रिजल्ट गलत भी आते हैं. मैं उनके पास गया, पापा ने कहा दूर. छह नहीं 10 फीट दूर. मैं अकेला नेगेटिव हूं, तुम लोग मुझे पॉजिटिव कर दोगे. आपको वो याद है एक सीटी स्कैन होता था ताकि लंग्स में कितना इन्फेक्शन है वो पता लगे. तो वो सीटी स्कैन के लिए मैंने पापा को कन्विंस किया, पापा चले, वो सीटी स्कैन हुआ. फिर नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई, ठीक है रिपोर्ट आई, वो एक्सरे टाइप था. मैं वहाँ पे एक मेरे टाउन में एक ही अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे गया, डॉक्टर के पास ले गया. मैंने उनको दिखाया, मैं कहा प्लीज़ चेक करके बताइए कि एडमिट करने की नीड है क्या. तो उसने वो निकाला, उसको देखा और देख के बोलते हैं नहीं एडमिट करने की नीड तो नहीं है. मैं कहा चलो, ये सुन के रिलैक्स हुआ मैं थोड़ा. फिर डॉक्टर ने बोला कि एडमिट करने की नीड तो नहीं है क्योंकि 70% लंग्स खत्म हो चुके हैं, तो अब मुझे लगता नहीं कि एडमिट करने का कुछ फ़ायदा होगा, लीजिए अपना एक्सरे. मैं कहा एक मिनट, आप बता सकते हो कि 70% लंग्स खत्म हुए पर आप ये नहीं बता सकते कि एडमिट करने का कोई फायदा नहीं है. मैं कहा प्लीज़ आप एक बेड अरेंज करिए. तो उस डॉक्टर ने कहा मैं आपकी बात समझ रहा हूँ लेकिन मेरे पास कोई बेड अवेलेबल नहीं है. मैं उस केबिन में चिल्लाने लग गया, मैं कहा ऐसे कैसे बेड अवेलेबल नहीं है, आपको करना पड़ेगा, आपका काम है, आप कैसे नहीं कर सकते.
फिर इतने में कॉल आया डॉक्टर के पास, डॉक्टर वहां से भागा, मैं उसके पीछे पीछे गया, और जैसे ही मैं उस केबिन से बाहर निकला, फर्स्ट टाइम मैंने वो चीखे सुनी यार, वो जो चीखे ना, मतलब हम यूजुअली अवॉइड कर रहे थे जब तक हमारी खुद की फैमिली के साथ नहीं हो रहा था, चीखे थी वो ऐसे ना सुन के बाद साइड से चली जा रही थी, वो फर्स्ट टाइम मैंने सुनी वो चीखे। मैं हर वार्ड में हर रूम में गया, लिटरली देखा एक वार्ड में अगर 8 बेड हैं तो उसमें हर बेड पे दो दो पेशेंट लेटे हुए हैं, सबको ऑक्सीजन लगा हुआ है, सब चिल्ला रहे हैं, सब रो रहे हैं, हर 10 मिनट में 15 मिनट में कोई मर रहा है। मैं वो एक्सरे की रिपोर्ट ली, मैं भागा एक दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पे सेम हालत, तीसरे में गया, चौथे में गया, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, मैं गया ही नहीं था कभी उससे पहले यार, कभी जरूरत नहीं पड़ी ना हम लोगों को जाने की वहाँ पे, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, वहाँ तो चीखें और ज़्यादा लाउड थी, लोग चिल्ला रहे हैं, पागल हो पड़े हैं, वो तुमने देखे वो लोहे के दरवाजे, वो लोहे के जो ऐसे ऐसे बंद होते हैं, वो जेल जैसे होते हैं, वो थे, उसमें चेन लगा रखी थी मल्टीपल ताकि कोई तोड़ के अंदर ना घुस जाए। मैं जब वहां पहुंचा ऐसे बहुत सैकड़ों लोग खड़े हुए थे, वो वेट कर रहे थे कि अंदर कोई मरे ताकि मेरा जो फैमिली मेंबर है उसको एक बेड मिल पाए, ऐसे थॉट्स आ रहे थे लोगों के अंदर। मैं जब वहां खड़ा हुआ था ना, सच बता रहा हूँ आपको, ये सच में हुआ था, मैं जब वहां खड़ा हुआ था वहां एक एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस के अंदर एक लड़का था, वो एग्जैक्टली मेरी एज का था, 28 साल का होगा वो लगभग, उसके मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, वो तड़प रहा है, हिल रहा है, उसे बेड नहीं मिल रहा था। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास एक थॉट आया, मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि अगर एक बेड मिले, और या तो वो बेड इसे मिल सकता है जो 28 साल का जिसके पास पूरी जिंदगी है, या मेरे पापा को मिल सकता है, मैं बेझिझक बिना सोचे वो बेड पापा के लिए ले लेता। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कोई एम्पैथी खत्म हो गई थी, जब तुम्हारी फैमिली में आता है ऐसा कोई ट्रेजेडी आती है तो तुम्हें नहीं फर्क पड़ता आसपास क्या हो रहा है, तुम्हें बस उसे बचाना है। आई जस्ट वॉन्ट टू सेव माई फादर, एज सिंपल एज दैट। कोई बेड नहीं मिल रहा है वहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पापा को बताऊंगा कैसे ये बात यार। मैं अपनी गाड़ी में गया, मैंने इतने फोन कॉल्स किए बैक टू बैक फोन कॉल्स किए, मतलब इतनी देर में 4 घंटे उसी हॉस्पिटल के बाहर था, मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था, एकदम समझ नहीं आ रहा था। फाइनली मेरे जो कमेडियन फ्रेंड्स है जो काफी फेमस है, काफी वायरल है, वो सब स्टोरीज डाल रहे हैं, फाइनली किसी तरीके से एक बेड अरेंज हुआ, एक रिलीफ मुझे वही मिला। जयपुर में वो था एक हॉस्पिटल, उसके हॉस्पिटल के जो मेन जो डॉक्टर थे, जो एमडी थे, उन्होंने कहा था कि हम आपको एक बेड दे देंगे, बड़ी मुश्किल से अरेंज कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप खुद नहीं आओगे, क्योंकि आप सब पॉजिटिव हो, आपकी फैमिली में से कोई नहीं आएगा, सिर्फ आपके पापा आएंगे। मैंने कहा अकेले कैसे मैनेज करेंगे, उसने कहा यही ऑप्शन है, नॉन निगोशिएबल है। मैंने कहा ठीक है, आप बेड रेडी रखिए, मैं पापा को भिजवाता हूँ। आप पापा को बताऊँ कैसे यार, मैं घर पहुंचा, मैं एकदम घबरा रहा हूँ, हाथ पैर कांप रहे हैं, गूस बम्स आ रखे हैं, एकदम हालत खराब हो रही है, रो रहा हूँ मैं 4 घंटे से, मैं कैसे बताऊं पापा को। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा, कमरे के अंदर के हाथ पैर कांप रहे हैं, जैसे ही मैं कमरे में घुसा, तो बेड होता है ना, बेड था, 2 साइड टेबल्स थी ना, साइड टेबल के नीचे मैं बैठा, पापा ऐसे बेड पे ऐसे लेटे हुए थे, उनके ऐसे घुटनों पर मैंने सर रखा और मैं फूट फूट के रोने लग गया यार। मेरे को हिम्मत ही नहीं हो रही थी बताने की कि क्या सिचुएशन है, क्या है क्या नहीं है। मैं उनको बताने लगा, पापा ने कहा मैं समझ गया बेटा क्या सिचुएशन है, क्योंकि मैंने तुझे 20 साल से रोते हुए नहीं देखा, तो फर्स्ट टाइम मेरे सामने रो रहा है, कुछ खराब ही हुआ होगा, तो उसको करते हैं सॉल्व, करते हैं, मैं कुछ करता हूँ इसके लिए। मैंने कहा नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक बेड अरेंज कर दिया है, आपको बस वहाँ जाना है। पापा ने कहा ठीक है, तो मुझे लेके चल, मैं चलता हूँ तेरे साथ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता, आपको अकेले जाना पड़ेगा। पापा ने कहा ठीक है, तो कैब बुक कर दे, मैं अकेले चला जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, कैब में नहीं, एम्बुलेंस, इनकेस आपको रास्ते में ऑक्सीजन की नीड पड़ी, ऐसा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पे आपको ऑक्सीजन की नीड पड़े। पापा ने कहा ठीक है, तो एम्बुलेंस अरेंज कर, जैसा भी है तू जो बोलेगा मैं वो करूँगा। आधे घंटे में एम्बुलेंस बुलाई मैंने, पापा बैठे, जयपुर में था ये हॉस्पिटल, पापा 4 घंटे की जर्नी है मेरे होम टाउन से, पापा जयपुर पहुँचे, पापा का फ़ोन तो नहीं आया पहुँचने के बाद, एम्बुलेंस के ड्राइवर का आया, उसने फ़ोन करके बोला कि आपके पापा ठीक नहीं है। मेरे हाथ से ना फ़ोन गिर गया, मेरे हाथ पैर कांपने लगे एकदम, मतलब ऐसा था कि मैं खुद मर चुका हूँ उस टाइम पे। क्या हुआ, मैं कैसे कैसे ठीक नहीं, मैं 30 सेकंड तक फोन पड़ा ही रहा, मैं ऐसे करता रहा क्योंकि मैं सुनने को तैयार नहीं था कि क्या बोलने वाला है वो अगली बात। मैंने हिम्मत करके फोन उठाया, मैं क्या हुआ पापा को, कहता है वो तो खड़े हैं। मैं कहा तूने कहा ना भी ठीक नहीं है, कह रहे भाई ये आदमी ठीक नहीं है। कह रहे मैंने ऑक्सीजन यूज नहीं करी, अब मैं कैब का ही भाड़ा दूंगा। मैंने कहा तो QR कोड भेज भाई, मैं फोन पे कर रहा हूँ, अंदर छोड़ा इनको प्लीज यार। शुरुआत के 3 दिन पापा एकदम मस्त थे, डॉक्टर्स को बिलीव नहीं हो रहा था 70% लंग्स, वो एक्सरे वो कह रहे थे गलत हो सकता है, दोबारा किया वो सेम ही रिजल्ट आया, सेम ही रिपोर्ट आई।
तीन दिन तक यही चला, पापा दोस्तियां कर रहे थे जैसे, क्योंकि पूरा सिंगल रूम तो मिला नहीं था, वार्ड था उसमें से 24-25 लोग थे एक ही वार्ड के अंदर, लेटे हुए थे सबके सब, पापा थे, पापा के बगल में आता, पापा उनसे दोस्ती करते, नेक्स्ट डे वो मर जाते। फिर एक नया इंसान यहाँ पे आता, पापा उनसे दोस्ती करते, वो मर जाते। नर्स ने आके पापा को बोला कि भाई साहब आप ना सोशलाइज मत करो। पापा लेकिन 4-5 दिन ठीक थे। फिर पता है क्या हुआ, फिर वो वॉशरूम में गए, उनकी ऑक्सीजन सडनली डिप करी और वो वहीं कोलैप्स होके गिर गए, वो वॉशरूम में अनकॉन्शियस हालत में मिले। एंड उसके बाद जब उन्हें बेड पे लाए तो उनकी जो ऑक्सीजन थी वो बहुत ज़्यादा डिप हो चुकी थी, ऐसे 83-84 दिखा रहा था। मेरे पास कॉल आ गया था कि अब ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं आपके पापा, सिचुएशन थोड़ी टफ है, एंड अगर हो सके तो आसपास किसी और हॉस्पिटल में वेंटिलेटर वाला अगर आपको बेड मिल जाए तो काफ़ी हेल्प हो सकती है, यहाँ पे हमारे पास वेंटिलेटर का बेड नहीं है। मैंने कहा मैं उनसे बात तो कर सकता हूँ, उसने कहा नहीं आप खुद पॉजिटिव हैं। मैंने कहा मैं पॉजिटिव हूँ, बाकी सारे कौन से नेगेटिव हैं। मुझे एक बार प्लीज़ मिलने दो। मेरे पास कॉल्स आते रहते थे, मैंने बताया क्या सिचुएशन थी, मुझे ऑलरेडी कंडोलेंसेस के मैसेज देना शुरू कर दिए लोगों ने यार, बेटा अब तुम्हें ही संभालना है सब। मैं कहा यार ऐसे कैसे, एक बैटल चल रही है, ऐसे कैसे आप कह सकते हो मुझे ही संभालना है, जब तक ये बैटल पूरी खत्म नहीं होती, कोई हारता नहीं है कोई जीतता नहीं, तब तक आप रिजल्ट मत बताओ मुझे। फाइनली वो माने, मुझे मिलने का मौका दिया। मैं जब उस वार्ड के अंदर घुसा, मैं पापा के पास जा रहा था यार, एक इतनी बढ़िया मोमेंट बना उस टाइम पे, उस इंसान का सेंस ऑफ ह्यूमर उस टाइम पे भी इंटैक्ट था, जैसे मैं उनके पास जा रहा हूँ, हाथ में नलियां हैं, मुंह में मास्क लगा हुआ है वो ऑक्सीजन का, उसके बाद भी पापा ने मुझे कहा कि बेटा दूर 6-10 फीट दूर। मैं कह यार इनको नहीं हो सकता कुछ भी यार। मैं उनके पास गया, मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने कहा पापा यार क्या हो गया यार, 20 दिन से आपने सबको परेशान करा, जल्दी घर आओ यार, ऐसे थोड़ी होता है कि आप इतना लंबा खींच दोगे इसको। ठीक है मैं मानता हूँ आपने घी खाया है, अच्छा नहीं होगा आपका, अब प्लीज़ अब आपको ठीक होना ही पड़ेगा, मैं हूँ आपके साथ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा आपको छोड़ के, मैं आपके साथ रहूँगा, आपकी दुकान संभालूंगा, प्लीज़ आप ठीक हो जाओ। पापा 7 दिन में ठीक हो गए। कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं था मुझे दुकान बिठाने का। 7 दिन में ठीक हुए पापा, बट 22 दिन तक और हॉस्पिटल में थे। फिर फाइनली उन्हें डिस्चार्ज किया, एंड जब वो घर आए, मतलब हमने ऐसे ना गुब्बारों से होम कमिंग लिखा था, एक केक पे होम कमिंग लिखा था, पापा आते ही ऑफेंड हो गए, घर वापसी क्यों नहीं लिखा। मैंने कहा पापा उसका कुछ अलग मतलब पे निकल जाता। सब खुश थे, सब एक्साइटेड थे, मेरी बहन आई बहुत खुश थी, केक काटा हुआ था लेके पापा के मुंह में डाल दिया। मैंने कहा डॉक्टर ने शुगर मना करी, इसे मुंह से निकाल लिया। सब खुश थे, सब बहुत खुश थे, बट माय फादर वाज अ चेंज्ड मैन। जब आपके साथ ऐसी कोई ट्रेजेडी होती है उसके बाद आप वापस आते हो तो आप वो इंसान नहीं रहते जो आप पहले थे। मैंने कहा सबको ऐसे, मैंने ऑफिशियली अनाउंस किया वहां पे, मेरे सारे फैमिली मेंबर्स थे, दूर के फैमिली मेंबर्स सब आए थे वहां पे, तो मैंने अनाउंस किया कि मैं पापा का बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूँ, पापा के साथ रहूंगा, कहीं नहीं जाऊँगा। तो पापा ने ऐसे मेरे सर पे आकर कह रहे हैं ऐसी बकवास कर रहा है, ये कुछ नहीं है, ये वहीं रहता है दिल्ली, आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा नहीं पापा ऐसे कैसे, मैं आपके साथ रहूँगा। पापा ने कहा नहीं बेटा तेरा कुछ और काम है, तूने वीडियोज भी डाले, जब मैं था बेड पे मैं तेरे वीडियोस देखता था, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, बढ़िया वीडियोस थे, सब कुछ सही है, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, बढ़िया रह जाएगा। मैं कहा नहीं नहीं पापा मैं आपके साथ, अब देखो रोल्स कैसे रिवर्स हो चुके हैं, अब मैं कह रहा हूँ मुझे दुकान संभालनी है, पापा कह रहे हैं नहीं अब तू कॉमेडी कर। तो ये बहस चलती रही बहुत दिन तक, पापा ने दुकान जाना शुरू कर दिया था। मैंने एक दिन बोला पापा मैं आपके साथ चल रहा हूँ और मैं आज से ऑफिशियली ज्वाइन कर रहा हूँ बिजनेस को। मैं पापा के साथ दुकान गया, फर्स्ट डे था मेरा, मैं थोड़ा नर्वस था। और जब मेरे पापा ने मेरी आंखों में देखा कि मैं नर्वस हूं तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे सर पे हाथ रखा, पापा ने कहा टेंशन मत ले सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया यार इनको? मैंने उनसे बोला पापा मैं एक कस्टमर को हैंडल करना चाहता हूँ, मेरे को शुरुआत करनी है अपनी।
कोई टिप्स देना चाहोगे? पापा ने कहा कि कोशिश करना पहला कस्टमर तेरा मर्द हो। मैंने कहा क्यों? पापा ने कहा औरतें बहुत बेहतर इंसान होती हैं, लेकिन जब वो शॉपिंग करती हैं तो चंडालिका बन जाती हैं। पहला मर्द। मैंने कहा ठीक है, मर्द साड़ी की दुकान में कम आते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो। मैं वेट कर रहा हूं मर्द का। दुकान पे जो लड़के काम करते हैं मुझसे पूछे भैया क्या हो गया, मेरे को मर्द चाहिए। 5 बजे एक मर्द आया, उसके हाथ में ऑलरेडी हमारी दुकान का जो बैग होता है ना वो था। तो मैंने कहा पापा ये तो, पापा ने कहा ये एक्सचेंज के लिए, इनको छोड़ दे। मैंने कहा नहीं, बॉस कस्टमर है, मेमोरेबल होना चाहिए, जो ये देने आया है वापस मैं लूंगा ही नहीं। उसे कन्विंस कर दूंगा जो तो देने आया है वो बेस्ट है, यही लेके जा। वो आके बैठा, मैंने कहा भाई साहब बताओ क्या दिखाऊं? कुछ नहीं चाहिए, हम ये रिटर्न करने आए हैं। मैंने कहा नहीं, रिटर्न क्यों करने आए हो? उसने कहा साड़ी निकाली। मैंने कहा सर ये साड़ी रिटर्न करने आए हो? आप समझ रहे हो आप क्या कह रहे हो? ये इस दुकान की सबसे जबरदस्त साड़ी है और आप इसे रिटर्न करने आए हो? इससे जबरदस्त साड़ी पूरे दुकान में नहीं है भाई साहब। कहता भाई साहब साड़ी अच्छी है लेकिन इसमें छेद है तो जबरदस्त कैसे हुई? मैंने कहा सर सुनो, छेद तो आप में भी है। आप भी तो जबरदस्त हो, ले जाओ इसे। पापा ने कहा बेटा इधर आ, इधर आ, इधर आ। पापा ने कहा कि तू ना मेरा घर निकल, सामान पैक कर दो, रात को दिल्ली जा रहा है। मैंने कहा नहीं पापा ये कोई बात थोड़ी, मैं यहीं रहूंगा। पापा ने कहा नहीं तो दिल्ली निकल जा, अपने सपने पूरे कर। मैंने कहा मेरा कोई सपना नहीं। पापा ने कहा रात को नया देख, मुझे नहीं पता तू दिल्ली निकलेगा यहाँ से। समझ में आई बात? पापा मेरे सामने कह रहा अच्छा वहां इसकी वाइफ खुद नहीं आई देने। हॉस्पिटल से आया तिहाड़ जाना पड़ता। पापा मुझे रात को मिले, पापा ने कहा मैं तेरी टिकट बुक कर दी। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा। पापा ने कहा सुन तूने ट्राई क्या किया अभी, 3-4 साल 5 साल में थोड़ी कुछ हो जाता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, किसी का टाइम जल्दी आता है किसी का लेट आता है, कोई बात नहीं मैं हूं तेरे साथ, तू जा मेहनत कर जितना हो पाए सेव कर, नहीं हो पाए तो मैं हूं मैं संभाल लूंगा, तो जा मैं हूं तेरे साथ। पापा मुझे रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने आए वापस, दूसरी बार आए थे, एक बार फर्स्ट टाइम जब गए तब आए थे, सेकेंड टाइम अब आए थे। अब यार वो है ना कि वापस जाऊं मैं, क्योंकि मेरे जो रूममेट्स थे अब वो अपने होम टाउन में अपने वहीं पे सेटल हो चुके थे, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। अब नए रूममेट्स ढूंढो, नया घर ढूंढो, फिर से ना मतलब ये जो कॉमेडी शोज होते हैं इसके लिए स्पॉट्स ढूंढो, फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा नर्वस था, थोड़ा नर्वस था मैं। और जब पापा ने देखा कि मैं नर्वस हूं तो इस बार उनको लगा कि यार इसे मोटिवेशन की जरूरत, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया कंफर्ट देने के लिए, बीइंग ए नाइस फादर, मेरा हाथ पकड़ा और मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा बेटा ये जो डर है तुम्हारी आंखों में ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं जानता हूं तुम दिल्ली नहीं जाना चाहते। मैंने कहा पापा जल्दी खत्म करो, ट्रेन में सो जाएंगे। तुझ पे वो दिन खिले तुझी को देख कर छूट के भाग रहा है तेरे पीछे नंगे पांव, ये दिल मन चला।